दोस्तों अभी के टाइम में जब आप अपना बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके साथ दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन एक नोटिफिकेशन दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन का दोस्तों आखिर क्या मतलब है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो बस दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखते रहना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक डेट दिखने को आपको मिल जा रहा होगा, यानी कि 14 से 16 मई। दोस्तों आखिर ये डेट हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, चलिए मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको डिसमिस करनी है या फिर लर्न मोर करनी है। और दोस्तों ये सारे मैसेज का क्या मतलब है, ये दोस्तों डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाइटी स्टूडियो में जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी दोस्तों वो कुछ मेरे फायदे के लिए होती है तो कभी नुकसान के लिए होती है, ये दोस्तों सारा कुछ आपको समझना और देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लर्न मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों आप लर्न मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके साथ दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक डेट दिखने को मिल जा रहा है, 15 तारीख यानी कि 5 यानी कि पाँचवा महीना 17 तारीख और 2024, यानी कि दोस्तों आपको 14 से 16 के बीच में वहाँ पे यानी कि दिखाया गया था एक डेट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड यानी कि आप डेट देख रहे हो, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन मिसिंग, यानी कि दोस्तों मैं आपको साफ साफ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोस्तों इसको हिंदी में भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इसका आप समझा देता हूँ कि इसका क्या यानी कि मतलब है। मतलब दोस्तों इसका साफ साफ है कि आपने जो 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में जो भी वीडियो आपने अपलोड किया था उसमें ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, डिस्क्रिप्शन गायब हो जा रहा था, ठीक है। जब हम उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे थे तो डिस्क्रिप्शन वहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जा रहा था, और यही कारण है दोस्तों कि मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से गायब हो जा रहा था। तो इसीलिए दोस्तों ये अपडेट दिया गया है कि अगर आपके साथ ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी उस समय तो दोस्तों उसको आप सुधार सकते हो, यानी कि जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन की यानी कि गलतियाँ हुई थी, ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन वहाँ से गायब हो रहा था, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख रहा था तो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जा रहा था, ठीक है। तो इसी अपडेट से लेकर यहाँ पे बताया गया YouTube की वो मेरी गलती थी, कि मेरी गलती के कारण वहाँ पे क्या हो रहा था कि डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक गायब हो जा रहा था। कुछ कुछ लोग के डिस्क्रिप्शन में कुछ गलत वर्ड लिखा जा रहा था ऑटोमेटिक, या कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मतलब YouTube उससे यानी कि आपको स्ट्राइक भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर सबसे पहले आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, जो कि आपको 14 से 16 तारीख के बीच में वीडियो आपने अपलोड किया है, अगर उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लगा रहेगा तो आप नया डिस्क्रिप्शन उसमें लगा सकते हैं। एंड आप उसमें चेक कर लेना कि कहीं आपके डिस्क्रिप्शन में कोई गलती या गड़बड़ी तो नहीं हुई है, नहीं तो अगर कोई गलती और गड़बड़ी हुई रहेगी तो फिर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगा और आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 14 से 16 तारीख के बीच में जो भी वीडियो आपने अपलोड किया है उसको जाकर आप चेक कर लेना, ठीक है। और दोस्तों ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको डिसमिस भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने 14 से 16 मई के बीच में वीडियो अपलोड किया है तो फिर आपको जाकर चेक करना भी जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये अपडेट ये नोटिफिकेशन किस लिए आया था। तो दोस्तों समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपको डरना नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों आपको बहुत बातें बता देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बस दोस्तों यही यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था कि 14 से 16 मई के बीच में जो भी वीडियो यानी आपने अपलोड किया होगा उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक गायब हो रहा था या फिर दोस्तों ऑटोमेटिक कुछ लिखा जा रहा था, ठीक है। बस आपको इतना ही चेक करना है, बाकी इस नोटिफिकेशन में ऐसा और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों उन्हें भी पता चल पाएगा कि इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।